सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 26 फरवरी 2019 के दिन राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कविता सुनाई थी। लोगों को लगा था चुनाव है, पीएम अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, लेकिन किसी को भी दूर दूर भनक नहीं लगी कि पीएम मोदी की इस गर्जना के पीछे की वजह क्या है। लेकिन शाम होते होते सारी दुनिया को उनके इस भाषण का मतलब समझ आ गया था और कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चमत्कारिक जीत हासिल हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही अपने बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, अचानक से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने लाहौर जाना हो या फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसा बड़ा फैसला हो, वो हर बड़े और साहसिक फैसले लेने में माहिर है। उनके इसी तरह के फैसले से अक्सर विपक्ष चित और बीजेपी को हिट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ चमत्कार उन्होंने साल 2019 के आम चुनाव से पहले किया था। पूरा विपक्ष सोचता ही रह गया और पाकिस्तान के नाम पर पीएम मोदी ने बड़ा खेल कर दिया। आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। 25 से 26 जनवरी 2019 की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके उसके 250 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया था। इसके एक दिन बाद 27 फरवरी की शाम 4 बजे के करीब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी में हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। करीब 6 बजे मीटिंग में एक नोट पहुंचता है। नोट में लिखा था, भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तान रखी हैं। अगर फौरन एयरफोर्स पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारत हमला कर देगा। अगले दिन शाम 4 बजे तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी संसद में कहा, हम कल भारत के पायलट अभिनंदन को रिहा करने जा रहे हैं। इस तरह मोदी के खौफ के चलते पाकिस्तानियों ने पूरे सम्मान के साथ 1 मार्च की रात विंग कमांडर अभिनंदन को भारत लौटा दिया। लोकसभा चुनाव सिर पर थे, तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने इस मौके को भुनाना शुरू कर दिया। जगह जगह पॉलिटिकल पोस्टर्स लगाए गए जिसमें लिखा था, घर में घुस कर मारा है। इसके बाद तो एक के बाद एक कई रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा उठाया, जिसका सीधा फायदा उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में मिला। जिस बीजेपी को 225 से 250 सीटें मिलने का अनुमान था, उसने 303 सीटों के साथ फिर से वापसी की और दोबारा सरकार बनाई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि ये रिकॉर्ड जीत प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले का नतीजा थी जो उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए लिया था, और वो था पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने का। दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त पीएम मोदी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टीवी प्रेजेंटर बियर ग्रिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे। काफी देर तक उन्हें इस घटना की पूरी डिटेल नहीं मिल सकी थी। विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर मोदी को घेरने की कोशिश की और लंबे समय तक हंगामा करते रहे। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए मोदी सरकार ने तय किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, लिहाजा बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। भारतीय एजेंसियों को खबर मिली कि इस बालाकोट के आतंकी कैंप में करीब 300 आतंकी छिपे थे। 25 फरवरी की सुबह पीएम मोदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और उसी रात करीब 20 मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। तड़के 3:43 पर ये विमान इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में घुस गए और बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी पर जैश के ठिकानों पर बमबारी करके सुरक्षित लौट आए। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक लोकसभा चुनाव के ऐलान से सिर्फ 12 दिन पहले की गई थी। मोदी के इस फैसले से पाकिस्तान की अकल तो ठिकाने आ गई, लेकिन विपक्ष परेशान था। वो लगातार एयर स्ट्राइक के सबूत मांगता रहा। उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में बोल चुके थे कि 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन विपक्षी दलों को इससे संतुष्टि कहां थी। वो तो बस इसे बीजेपी के चुनावी एजेंडे से दूर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बीजेपी इसका फायदा आने वाले चुनाव में उठा सकती है। और हुआ भी यही।
एयर स्ट्राइक के अगले दिन से ही बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया। हर जगह घर में घुसकर मारा के पोस्टर चिपका दिए गए, क्योंकि एयर स्ट्राइक के 12 दिन बाद ही 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। इस पर फिर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के भाषणों में सेना के इस्तेमाल को लेकर शिकायत की थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि बीजेपी वोट के लिए चुनाव में सेना का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उनकी इस शिकायत का कोई असर नहीं हुआ और पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता, न ही पार्टी के लिए चलाता हूं, मैं सिर्फ देश के लिए सरकार चलाता हूं। हालांकि पीएम 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं। गुरुवार 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में उन्होंने कहा कि आज आपके एक वोट की वजह से भारत घर में घुस कर मारता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय दुबे की माने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक का मकसद चुनाव जीतना था। चुनाव में बीजेपी ने इसे पूरी तरह से भुनाया था। वो कहते हैं कि उस दौरान मैं जहां जहां गया हर जगह बैनर और होर्डिंग्स लगे थे कि हमने घर में घुस के मारा है। बीजेपी को उस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा एयर स्ट्राइक से ही हुआ था। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन मानते हैं कि भारत में हर 3 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, तो क्या हम चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर फैसला नहीं लेंगे? क्या सरकार चुनाव के दौरान कोई फैसला नहीं ले सकती? मैं नहीं मानता कि एयर स्ट्राइक का फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया था। आपको एक खास बात और बताते हैं। चुनावी साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के पहले जनवरी में जारी किए गए ज्यादातर सर्वे में बताया गया कि बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। कुछ सर्वे ने बीजेपी को 220 तो कुछ ने 250 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, लेकिन जब नतीजे आए तो तमाम सर्वे फेल हो चुके थे। एयर स्ट्राइक का बड़ा जबरदस्त फायदा अकेले बीजेपी को मिला था। चुनाव में बीजेपी को 303 और एनडीए को 353 सीटें मिली। इतने बम्पर नतीजों के बारे में खुद बीजेपी ने भी कल्पना नहीं की थी। सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए 77% वोटर्स की पहली पसंद नरेंद्र मोदी थे। उस वक्त सिर्फ 8% लोगों ने ही राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को पसंद किया था। वहीं एक खास बात ये भी थी कि उस वक्त बीजेपी के लिए वोट करने वाले हर तीसरे वोटर का कहना था कि मोदी की वजह से ही भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है। अगर बीजेपी मोदी की जगह किसी और को पीएम कैंडिडेट बनाती तो वो बीजेपी को वोट ही नहीं करते। तो इस तरह से बीजेपी ने मोदी को और मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को भुनाते हुए 2019 के चुनाव का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें न सिर्फ देश के वोटर्स बल्कि समस्त विपक्षी दल फंस कर रह गए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।